आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले हमको एक बात जान लेनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। 12th की परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हमारे आते हैं, जैसे यूज टू, रिमूव टू, डिग्री, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड बनाना, सिंपल से कंपाउंड, या कंपाउंड से सिंपल बनाना। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को सीखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछने लग जाए कि क्या पढ़ रहे हो, और आपने कहा अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहा हूँ, और वो तुमसे पूछ बैठे कि बेटा इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो हाउ कैन यू टेल हिम? यू कॉन्ट टेल बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इट। इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ इट या द मीनिंग ऑफ इट, देन यू टोल्ड हिम, अदरवाइज यू कॉन्ट टोल्ड। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, मीनिंग को समझना है कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, हिंदी मीनिंग इसका होता है वाक्यों का रूपांतरण, अर्थात वाक्य के रूप में परिवर्तन। अब वाक्य के रूप में परिवर्तन कैसा है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो ट्रांस प्लस फॉर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक हमारा ट्रांस और दूसरा फॉर्म। ओके, ट्रांस का मतलब क्या होता है? टू चेंज और फॉर्म तो ही है हमारा, अर्थात टू चेंज द फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म। आपके मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले, और बहुत अच्छे से इसके मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके डेफिनेशन को देखना होगा। चलो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। What the definition of transformation? Definition को लिखने के लिए चाहें आप चाहो तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसे अपनी कॉपी पेन पर लिख लीजिएगा। आज तुमको ट्रांसफॉर्मेशन की चुटकियों में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार को देखते हैं डेफिनेशन। टू चेंज अ सेंटेंस, टू चेंज अ सेंटेंस from one grammatical form to another without altering its sense is called transformation of sentences, transformation of sentences. क्लियर नो? अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को, किसी भी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना विदाउट अल्टरिंग सेंस, यानी कि बिना अर्थ परिवर्तन हुए। हम कह सकते हैं वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वंस मोर आई रिपीट माई वर्ड, लिसन केयरफुली, कि किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के एक रूप को
उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। अब कैसे ये चीज़ अगर ऐसे समझना है तो मैं बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल देना दे करके समझाता हूँ। ये तुम्हारे ज़िंदगी से लेकर के तुमसे लिया गया एग्जांपल है। चलो जैसे हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में तुमने देखा होगा जब हम लोग क्लास में होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, तब वहाँ पर कुछ शरारती एक कहानी के माध्यम से इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। ओके तो चलिएगा, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं और कुछ लड़के, उन लड़कों लड़की तथा लड़कों में से कुछ शरारती लड़के होते हैं और कुछ शरारती लड़कियाँ भी होती हैं। ओके कुछ दबंग लड़के होते हैं तो कुछ दबंग लड़कियाँ भी होती हैं, यानी कि हर तरीके के क्लास में लड़के और लड़कियाँ हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही एक शरारती लड़का उठ करके आया और उसने लिख दिया बोर्ड पर जा करके कि उस पर बोर्ड पर एक शरारती लड़के ने जाकर के लिख दिया कि 50% लड़कियां 50% लड़कियां मूर्ख होती हैं, मूर्ख होती हैं, 50% लड़कियां मूर्ख होती हैं। अब इतनी सी बात जब ये सेंटेंस आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया या किसी भी शरारती बच्चे ने इस बोर्ड पर जा क्लासरूम के बोर्ड पर जाकर के ये लिख दिया, तो ये जैसे सेंटेंस लड़कियों ने देखा तो ये बात लड़कियों के लिए नागवार गुजरी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ लड़कियों ने, कुछ दबंग लड़कियों ने क्या करा कि क्लास में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, हु हल्ला मचाना शुरू कर दिया, और इसके बाद सारी लड़कियां मिलकर के जो है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाकर के धरना दे करके बैठ गई और बोली, वहाँ पर जाकर के नारेबाजी करने लगे कि लड़के हाय हाय इस तरीके से तमाम तक की लड़कियों लड़कों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि 50% लड़कियाँ मूर्ख होती हैं, ये बात लिखने की कैसे हिम्मत हो गई। तब जाकर के जो है कुछ देर बाद प्रिंसिपल सर ऑफिस रूम से बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं, बालिकाओं कन्याओं बालाओं तुम्हें क्या समस्या है बताओ। तब उनमें से एक बाला उठती है और कहती है, सर लड़कों ने बोर्ड पर लिखा है कि 50% लड़कियां मूर्ख होती हैं, ये कमेंट हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब बोले प्रिंसिपल सर फिर से बोलते हैं, बोले बालाओ बस इतनी सी समस्या, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। अब उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रिंसिपल सर क्लासरूम में आते हैं और वो बोर्ड पर लिख देते हैं, बोले बस इतनी सी समस्या को अभी समाधान कर देता हूं। तो वो आए और उन्होंने लिख दिया कि 50% लड़कियां मूर्ख नहीं होती हैं, 50% लड़कियां मूर्ख नहीं होती हैं। तब कहीं जाकर के मामला शांत हुआ, लड़कियों ने जो है अपनी अपनी लड़कियां, सभी लड़कियां जितनी भी थी क्लास की, सभी अपने अपने क्लास में क्लास लेने के लिए चली गईं। अब यहां पर सिर्फ ये देखिएगा जाकर के कि कहने के अर्थ में, यानी कि सेंटेंस, उन्होंने पहले वाले वाक्य में कहा कि 50% लड़कियां मूर्ख होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% लड़कियां कैसी होंगी, इंटेलिजेंट होंगी। दूसरे वाले सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं, इसमें कहा गया, प्रिंसिपल सर ने इसके नीचे लिख दिया कि 50% लड़कियां मूर्ख नहीं होती हैं, तो इसका मतलब क्या है सर का, कि 50% लड़कियां मूर्ख होती हैं। बोले 50% लड़कियां मूर्ख नहीं होती हैं तो बाकी 50% क्या मूर्ख होती हैं, यानी कि यहां पर भी 50% लड़कियों को मूर्ख बताया गया इस सेंटेंस में भी, और इस सेंटेंस में भी 50% लड़कियों को मूर्ख बताया गया। डैट मीन्स अब हम अपने डेफिनेशन पर आ जाते हैं, मुझे लड़के मूर्ख हैं या लड़कियां मूर्ख हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में मैं सिर्फ अपने सेंटेंस, हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को क्लियर करके आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजी वे। तुम बहुत इजी तरीके से आप इस डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हो, बस मैं इतना चाहता हूं। चलिए अब यहां पर देखिए, उन्होंने कहा कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, देखो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, ये सेंटेंस कैसा बन गया नेगेटिव, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया।
एक रूप से दूसरे रूप में बदलना विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना अर्थ बदले, यानी कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना जो है दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अर्थ बदले बिना दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। देखो सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां पहले वाले सेंटेंस में भी 50% लड़कियां मूर्ख है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी 50% लड़कियां मूर्ख हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि हमारा सेंटेंस जो है उसका, उसके अर्थ में बिना अर्थ, यानी कि इसका जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन भी हो जाए लेकिन इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहेंगे। चलो बंद कर दो।